बहुआयामी संस्था कोशिश एक पहल के बैनर तले शनिवार की शाम दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में संगीतमय संध्या का किया गया आयोजन। हमर शहर हमर जिम्मेदारी से शहर वासियों को परिचित कराने बहुआयामी संस्था कोशिश एक पहल ने एक संगीतमय शाम का आयोजन शनिवार को किया। इस आयोजन में भूले बिसरे गीतों की अविरल श्रृंखला के बीच लोगों को स्वच्छता और ऑफलाइन खरीदी के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि के रूप में चेंबर ऑफ कॉमर्स दुर्ग इकाई के सदस्य अशोक राठी और प्रहलाद रुंगटा मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में शहर के उभरते हुए प्रतिभावान कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इसके पश्चात कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने हमर शहर हमर जिम्मेदारी के अंतर्गत क्षेत्र के विकास और समस्याओं के समाधान को लेकर अपनी महती जिम्मेदारी निभा रहे पत्रकारों का भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की स्मृति में सद्भावना भाईचारा अवार्ड के तहत प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सब हमका स्वागत प्रशस्ति पत्र दे और बड़े गर्व की बात है कि नसीम भाई हमारे बीच के हैं और बड़े ही सरल स्वभाव के, और जो योगदान उन्होंने मीडिया जगत में अपना दिया है हम उसे हमेशा याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और हमारे शासन प्रशासन और सभी लोगों को अपने कलम के माध्यम से अपने न्यूज चैनल के माध्यम से समस्याओं का जो उजागर। इसके साथ ही शहर के उन प्रतिभावान कलाकारों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से जिले का नाम प्रदेश व देश में रोशन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में संगठन के जाहिद अली बहादुर अली थरानी व शमसुद्दीन थरणी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। कोशिश शहर के जो संगीत जगत में अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने कला के क्षेत्र में, जिन्होंने पत्रकारिता जगत में अपना योगदान दिया है, उनको सम्मानित करने के लिए हमर शहर हमर जवाबदारी इस उद्देश्य को ध्यान में, ऐसे रचनात्मक कार्यों में जो लोग शहर की सेवा करते हैं उनका सम्मान सदैव करती रहेगी और यही हमारा प्रयास रहेगा। जी, कोशिश की छोटी सी एक कोशिश है ये, और कोशिश ये रही है, इसके पहले हमने कोरोना फाइटर्स का सम्मान किया और उसके बाद में जब फ्लावर शो हुआ तो वहाँ हमने पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर, और ये जो है हमर शहर हमर जिम्मेदारी, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, दरअसल में हम सभी लोगों की सोच ये है कि शासन प्रशासन तो अपना काम करती ही है और करती रहेगी, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारी भी जवाबदारी बनती है कि बोलते ना कि फूल नहीं फूल की एक पंखुड़ी ही सही। तो ये हमारा एक छोटा सा कदम है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम नागरिक भी पहल करें, क्योंकि शहर हमारा है। हमारा ये मानना है कि शहर हम सबका है और उसकी खूबसूरती के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए, उसको संवार, और उसमें जो प्रतिभाएं हैं, खास करके कुछ ऐसे जो गायक हैं, कुछ ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ये जो हैं ये बाहर आए निकल कर, और जो हमेशा लगातार अच्छे, सबको सम्मान मिले, हमारे शहर का गौरव बढ़े और हम उनको गौरवान्वित करके हमारी संस्था गौरवान्वित हो, बस यही उद्देश्य। कोशिश संस्था है, बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करती है कि शहर की प्रतिभाओं को कैसे सम्मान किया जाए। एक मंच में बुलाकर सभी प्रतिष्ठित और सम्मानी जन को यहाँ पर उपस्थित करके यहाँ की जो संगीत है, जो पुराने ज़माने से हमारे पुराने गीते हैं, उसको आजकल के युवा इसको सुने, गुनगुनाए और अच्छे तरीके से उसको अपने जीवन में लाए, इसी कड़ी में यहाँ पर कोशिश ने कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। देखिए, ये मंच जो है आज कोशिश के माध्यम से इन्होंने छोटे छोटे जो कलाकार हैं
उनको इतना बड़ा मंच दिया, पब्लिक के बीच में लाया, ये अपनी अदा को कैसे आपको निखारना है, कैसे लोगों के बीच में पेश करना है। लोग तो खड़े नहीं हो पाते मंच में, आज वो बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे पूर्वाजी आई हमारे बीच में और उनके साथ में और भी हमारे बहुत अच्छे यहाँ कलाकार लोग मौजूद थे जिन लोगों ने बहुत अच्छी यहाँ पर प्रस्तुति दी। हम चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से, हम तो व्यापारी जगत से जुड़े हैं, लेकिन आज इतने टेंशन के बाद में व्यापारी अपने घर जाता है और उसके बाद में कहीं निकलने को सोचता है। आज वो आया यहाँ पे और संगीत सुना और संगीत में वो पुरानी यादें, वो पुरानी चीज़ों को वापस इन्होंने सजो के रखा है। तारीफ़ काबिल है कोशिश की, ये बहुत अच्छी पहल है। चेंबर ऑफ कॉमर्स ये जब भी ये संस्था कोशिश संस्था जो भी कलाकारों को बुलाएगी, इनके द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स सदैव इनके साथ में रहेगी और हम चाहते हैं कि वो पुरस्कार सदैव चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से हम इनको देते रहें और ये पुरस्कार इनके माध्यम से उन तक के पहुंचते रहें। सभी ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।